आलमी वायलेंट डे के हवाले से अख्तर जावेद ला एसोसिएट्स के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ वायलिन नवाज गुलाम अली लाहौती ने मुख्तलिफ गानों की धुनें पेश करके हाजरीन से बेपनाह दाद वसूल की। तकरीब में गुलकार जस्सी सिंह लालपुरिया, शेख इरशाद अली खान, हामिद सईद और नदीम भट्ट समेत मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ वायलिन नवाज गुलाम अली लाहौती ने बताया कि हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को तरजीह नहीं दी जाती, जबकि मगरिब में हर साज के दिन मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वायलिन मोहब्बत का साज है और वो अपने इसी साज के जरिए दुनिया में मोहब्बत फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरी कोशिश है कि अगर थोड़ा बहुत मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा जो इस पर मैंने सर्फ किया है तो कुछ ना कुछ मैं इस मुल्क को दे सकूं इन द फॉर्म ऑफ द वायलिन प्लेइंग। वायलिन डे के हवाले से कैफे रॉक में निजी रेडियो के जरिए तमाम म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की और फनकारों की परफॉर्मेंस पर खुलकर दाद दी, जबकि अपलोड, दी अदर्स और दीगर बैंड्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। कॉन्सर्ट में शरीक नौजवान गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूमते रहे। लाहौरियों का कहना है कि मौजूदा हालात में तफरी के प्रोग्राम्स का इनेकाद खुशाइंद है, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में मिल बैठने का मौका मिलने के साथ साथ नए टैलेंट की हौसला अफजाई भी होती है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ जैन मदनी, सिटी 42।